अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय नेता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गाजीपुर जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, छात्र नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का, अपने संगठन के पुराने पूरे पूर्व अध्यक्षों का और सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के कोने कोने में गाँव में बसे लोग हैं, शुभचिंतक हैं, नेताजी के कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। मैं सबका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती लाने के लिए आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं उनके पास जाकर नेताजी के विचारों को लेकर बताने का काम करूंगा और इस दौर में बताने का ये काम करूंगा कि ये लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती, क्या रहेगी प्राथमिकताएं? लोकतंत्र में जब संविधान नहीं रहेगा, संविधान को कमजोर कर दिया जाएगा, तो वीरों का और हमारे बलिदानियों का और देश की आज़ादी में शहीद होने वाले लोगों का अपमान होगा। इसलिए उस संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम पूरे मनोयोग से पूरे नौजवान साथियों को लेकर, अपने नेताओं को लेकर संघर्ष करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके बीच में अध्यक्ष जी है, आज हम सब लोगों के बीच में छात्र राजनीति के लोग से निकले संघर्षों के प्रयास, उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। हम सब लोगों के बड़े भाई प्रणव स्रोत आदरणीय गोपाल यादव जी को, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हिंदुस्तान के नेता, अखिलेतों के नेता अखिलेश यादव जी ने जो गोपाल यादव जी के ऊपर भरोसा जताने का काम किया है, हम उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और राष्ट्रीय जी को धन्यवाद देते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आदरणीय गोपाल यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गाजीपुर में और मजबूत होने का काम करेगी और जो 2024 का चुनाव है उसको हम सब लोग आदरणीय गोपाल यादव जी के नेतृत्व में 2024 का जो चुनाव उसको फतह करने का काम। गोपाल जी, लोकसभा चुनाव में क्या रहेगी रणनीति आप लोग की? लोकसभा चुनाव में पूरे देश का मिजाज, जैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, विधानसभाओं की सदस्यता रद्द करके, सांसदों की सदस्यता को रद्द करके, असंवैधानिक तरीके से छोटे छोटे मामलों में जो है ये सरकार इस ढंग से उत्कीर्ण कर रही है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग लामबंद हो रहे हैं। आम जनता तैयार है 2024 में देश की ये सरकार गिरेगी, जहां ये गांव गरीब, किसान मजदूर परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सवालों को लेकर वो सामने आकर खड़ा होगा और ये सरकार इस बार आम जनता मांगे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, शिक्षा। देखा जाए किसानों पर आफत बन के गिरा है, बिन मौसम बरसात ओला गिरा है और जगह जगह फसलें नष्ट हो गई, उसके लिए क्या कर रही पार्टी? सरकार के पास कुछ कोई संसाधन नहीं है, कोई योजना नहीं है। 2022 में किसानों को उनकी आमदनी दुगनी करने की बात किए थे, आज किसान लाचार और बेबस है, उसके सवाल पर कुछ नहीं कर पाए। आज किसान परेशान है बिजली की महंगाई से, आम उपभोक्ता परेशान है, तमाम तरह के जो सवाल खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जनकल्याणकारी योजना को ये बता नहीं सकती कि हम जो है कि आम जनता के लिए लेकर आए हैं। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा त्यौहार माहे रमजान इबादत का और हिंदू भाइयों को नवरात्र, देशवासियों क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कुदरत का बहुत ही बड़ा करिश्मा है, ये नवरात्र का पावन रमजान पावन दिन जो चल रहा है, महीना है, और इसी में रमजान का भी पावन महीना है, दोनों एक साथ पड़े हैं। ऊपर वाले ने कितना बढ़िया सामंजस्य बनाया है कि दोनों के आपसी भाईचारे को जब हमारा ऊपर वाला मेंटेन कर रहा है तो हमारे संविधान और लोकतंत्र में जो बातें हैं हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। सिख, ईसाई, मुस्लिम, चाहे अल्पसंख्यक समाज का जो भी व्यक्ति इस देश में होगा, हम लोकतंत्र और संविधान को मानते हुए उनके सम्मान में उनको अपना भाई मानकर उनके साथ गले मिलकर हम चलने का काम करेंगे।